मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मदरसा कर्मचारी को 10 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 20 साल के आरोपी ने 2 अगस्त को लंच के बाद मदरसे में पढ़ने वाले लड़के के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल की 11वें दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश की चुनौतियों और अनुसंधान के लिए कराधान प्रणाली आवश्यक है। एमपी के दतिया जिले से दिल दहला देने वाली खबर है। यहाँ एक कलयुगी मां ने नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंक दिया। लोगों को बच्ची भांडेर के सब रजिस्ट्रार ऑफिस के पीछे मिली। इस घटना का पता तब चला जब लोगों ने बच्ची की रोने की आवाज सुनी। लोग बच्ची को लेकर भांडेर अस्पताल पहुंचे। मध्य प्रदेश के भोपाल एम्स के डॉक्टर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हालांकि मरीजों के लिए सिर्फ इमरजेंसी सुविधा चालू रहेगी। यहां के डॉक्टरों ने कोलकाता में हुई रैप की घटना के मद्देनजर यह फैसला लिया है। भोपाल एम्स के डॉक्टरों ने देश भर के डॉक्टरों से सुरक्षा की मांग की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार रात मंत्रियों को जिलों के प्रभार की सूची जारी की है। प्रदेश में 55 जिले और 32 मंत्री हैं। कई वरिष्ठ मंत्रियों को दो दो जिलों का प्रभार दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर जिले का प्रभार अपने पास रखा है, जबकि कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह जैसे बड़े नेताओं के अपेक्षाकृत छोटे जिलों का प्रभार दिया गया है। इंदौर में सैकड़ों हिंदू सड़कों पर उतरे, बांग्लादेश के विरोध में नारेबाजी की और भारत सरकार से मांग की कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस दौरान रीगल से लेकर राजपाड़ा तक लंबा जाम लगा। हजारों लोगों ने सड़कों पर बांग्लादेशों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को तुरंत रोकना होगा। मध्य प्रदेश के गुना लोकसभा क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चल रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर में कई किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। सिंधिया हाथ में तिरंगा थाम कर लहराते हुए सड़क पर निकले। सिंधिया के साथ एनसीसी कैडेट्स ने भी कदम ताल किया। मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के तहत एक नए कानून को मंजूरी दी है, जिसके तहत अदालतें अब समन और वारंट को डिजिटल माध्यम से जारी करेगी। पुलिस इन्हें व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए संबंधित आरोपी फरियाद या गवाह को तामिल करवाएगी। करीब 100 करोड़ रुपए की कीमत वाली वक्फ जायदाद पर हो रहे कब्जे के मामले में अब सियासत भी पसरने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने इस जमीन की फिक्र लेते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव को टैग करते हुए ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने इस वक्फ जमीन पर कब्जा करने वाले मुस्लिमों को बीजेपी नेताओं का संरक्षण होने की बात कही है। ब्योहारी जनपद में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ऐसा जनपद पंचायत के अध्यक्ष खुद कहते हुए पूर्व में वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन देकर भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग कर चुकी है। अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई का जनपद पंचायत के अध्यक्ष को आश्वासन दिया था, लेकिन समय गुजर गया और कार्रवाई नहीं हुई, जिससे अब नाराज अध्यक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई है।